नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता दत्ता सामरे के साथ मारपीट मामले में आया नया मोड़, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। 15 फरवरी मंगलवार को वसई पुलिस स्टेशन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने जमा होकर आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता दत्ता सामरे को कथित तौर पर अवैध तरीके से प्राकृतिक जल के स्रोत बावखल को बंद किए जाने का फोटो खींचने के समय कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जिस स्थान पर एवं जिन लोगों के साथ दत्ता सामरे की मारपीट हुई थी, उस मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। साथ ही स्त्री मिता रॉडनी डिसिल्वा नामक महिला ने वसई पुलिस स्टेशन में दत्ता सामरे और बाकी 10 से 15 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला स्त्री मिता डिसिल्वा ने आरोप लगाया है कि उनकी अपनी निजी जमीन में उनके पति रॉडनी और काका जोसेफ कोरिया खड़े थे, तभी दत्ता सामरे ने फोटो खींची। दत्ता सामरे को फोटो खींचने का कारण पूछा, तब दत्ता सामरे उनके साथ के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। स्त्री मिता की सास व मामी छुड़ाने गए, तब उनको धक्का मारने का आरोप भी स्त्री मिता ने अपनी शिकायत में किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की परस्पर एक दूसरे के विरोध में शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी सूत्रों से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738